नहीं सरकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धर्म साहब का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिभा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे जाने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि इससे हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देखकर सभी वैष्णव बंधुओं को अनंत चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आज ये अनंत चतुर्थी का फंक्शन यहाँ पे हमारे समाज भवन पे बहुत धूमधाम से मनाया गया। और आज का जो महाप्रसाद दी थी वो हमारे रामचंद्र जी की तरफ से थी, वो हमारे आज के महाप्रसाद जी के लाभार्थी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई सालों से रामचंद्र जी भाई साहब की तरफ से मनाई जाती है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना और सभी समाज भक्तियों को शुभकामना। जिन जिनों ने उपवास रखा था उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। तो यहाँ बता रहे वैष्णव भक्त उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। और हर साल राम चतुर्थी की तरफ से मनाया जाता है ये अनंत चतुर्दशी। इसके लिए आपको जिन चीज़ को भी उजमनी करना है वो यहाँ पा सकते हैं, प्रेम भाव से कथा सुन सकते हैं और ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हम भी इनमें मेहमान के रूप में रामचंद्र भाई साहब के साथ हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। जय श्री राम। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि अनंत चतुर्थी का उत्सव हमारे वैष्णव भवन इसी बैठकदारी के यहाँ अच्छी तरह से उल्लास से मनाया गया। प्रसाद के लाभार्थी श्री रामचंद्र जी Yeah.